फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 आर्टिकल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम है वो बहुत पास है हमारे। और फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी का भी ये चैप्टर कम्प्लीट नहीं है तो आप इस वीडियो को देख कर इसे कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वर्कशीट 1 है उसमें दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ ए एंड द। तो जो हमारा इतना सा पैसेज दिया गया है उसको हमें पढ़ना है, और यहाँ ए और द का जो दिया गया है, यहाँ जहाँ जहाँ ये दिया गया है उनको समझना है। तो आई मीट अ बॉय, द बॉय वॉज क्राइंग, आई वॉन्ट सॉरी फ्रेंड्स, आई वॉकड अप टू हिम एंड आस्क हिम द रीज़न। ही टोल्ड मी डैट द मून वॉज नॉट ब्राइट and the weather was not too fine. He had sat by the Kaveri for hours but had not been able to find a single person to keep him reach the forest on top of the hill. He had to reached there as he had to meet the magician. तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा पूरा पैराग्राफ। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आता है हमारा रिमेंबर। रिमेंबर में है हमारा ए एन एंड एंड द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स, एग्जांपल अ बॉय, द मून, अ पर्सन, द मैजिशियन। अब इसमें बोला गया है ए एंड एंड द जो होते हैं वो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल्स बिफोर नाउन के बिफोर में यूज़ किए जाते हैं, जैसे द। तो सब जो है, बॉयज़, मून, पर्सन, मैजिशियन, ये नाउन है तो इनसे पहले इनका यूज़ हुआ है तो इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं, और आर्टिकल्स का यूज़ नाउन से पहले होता है। अब देखते हैं हम अपना वर्कशीट 2। हमारा वर्कशीट 2 है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। माई फादर इज़ एन हॉनेस्ट मैन, ही इज़ वेरी रिच, स्टिल ही ड्राइविंग एन ओल्ड कार, देयर इज़ अ लेक इन द पार्क नियर माई हाउस, वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो एच है तो यहाँ एन कैसे आया, तो इसका भी आंसर आपको जल्दी ही आगे पता चलेगा। देखते हैं हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में है, इट वॉज एन आवर लॉन्ग और ड्रिल। नेक्स्ट है, आई एम रीडिंग एन एक्सीलेंट बुक, इट इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नीड्स एन अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स, इट्स अ डिलाइट टू गेट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वन आईड मैन इज नॉट एलिबल टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ ऑल द शॉपिंग यू हैव डन आई सी ओनली दिस बुक as a useful thing. Dan is a European settled in India. तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, आप लोग सोच रहे होंगे ये आवर्स है, यहाँ एन क्यों लिखा है, और यहाँ पर यूरोप है, यहाँ ए क्यों लिखा है, और पहले भी जो हॉनेस्ट था उस वहाँ पर भी एन क्यों लिखा था। तो अब यहाँ पर हमें मिलेगा उसका आंसर नोटिस में। नोटिस में है हमारा कि अगर यहाँ जहाँ पर भी यूरोप वन हॉनेस, तो पहले हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप है वो यूरोप की तरह मतलब प्रोनाउंस होता है इसलिए वहाँ पर ए लगता है, और वन आई डब्लू की तरह, वन डब्लू की तरह होता है तो वहाँ पर ए लगता है। और अब देखते हैं हॉनेस, तो हॉनेस में एन इसलिए लगता है क्योंकि जो एच होता है वो साइलेंट हो जाता है, प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, नॉट प्रोनाउंस्ड, एच इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड, वो प्रोनाउंस में आता ही नहीं है हॉनेस्ट में, इसलिए हम एच के आगे मतलब हॉनेस्ट के आगे एन लगाते हैं। अब देखते हैं हम अपना वर्कशीट 3। हमारे वर्कशीट 3 में है, राइट द करेक्ट आर्टिकल और एन ए और एन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स और पुट, फ्रेंड्स हम इसको क्रॉस बोलेंगे, ये जो हमारा सर्कल जैसा है, वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। इस लाइन में बोला गया है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं जहाँ जहाँ डैश दिया गया है, और
ए और एन का प्रयोग करना है, यूज़ करना है, और जहाँ पर इसका यूज़ नहीं है वहाँ पर हमें सर्कल करके क्रॉस कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज डैश इमरजेंसी सो वी हैड टू रश। तो इसमें एन हो जाएगा क्योंकि ई है। ही गॉट हिज हायर एजुकेशन एट एन यूनिवर्सिटी इन द US। यहाँ पर भी एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ यू है। ही ना थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू ज्वाइन एन यूनियन। यहाँ पर ए होगा क्योंकि गुड है और एन होगा क्योंकि यू है, यूनियन। वी आर लुकिंग फॉर एन एकोमोडेशन इन द वेस्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ए है इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव दीज चिल्ड्रेन एन इंच एंड दे विल टेक अ यार्ड सेड मिस्टर प्लोर। विल यू बाई फॉर मी अ लोफ ऑफ ब्रेड ऑन योर वे वे बैक। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। दूसरा है हमारा ही मस्टर्ड। तो यहाँ पर हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं ए और एन की, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। करेज एंड क्लाइंब अप द स्टेज। अब देखते हैं नेक्स्ट, द बॉय गेव मी अ 1 1 रुपीज़ कॉइन। तो अभी आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पर 1 है तो क्यों नहीं, क्योंकि हमने अभी पहले ही पढ़ा है डब्ल्यू का साउंड आता है इसलिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अ मैन ऑफ, यहाँ पर किसी भी ज़रूरत नहीं तो हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे, विजडम लिव इन अ फॉरेस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पहले आता है हमारा रिमेंबर, आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन यूजलेस वी आर टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर वन। अब देखते हैं वर्कशीट 4, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ द। तो फ्रेंड्स अब आ गया हमारे द की बात में, मतलब हमने ए और एन तो पढ़ लिया, अब बच गया द। तो द में अब हमें पढ़ना है, तो इसके लिए कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मैच करना होगा। द का यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पर जो लाइंस है वो द, मतलब द लिखा हुआ है तो ये लाइन हो जाएगी, और यहाँ पर द क्यों लिखा हुआ है इसका मतलब हमें कॉलम बी में पता चलेगा। तो पढ़ते हैं, द मैन विथ अ गोल्ड पेन। तो इसका हो जाएगा, वेन वी पर्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग। फ्रेंड्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट अ बुक, द बुक इज अबाउट गोस्ट्स। तो इसका हो जाएगा सबसे लास्ट हमारा, वेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग। नेक्स्ट द सॉरी फ्रेंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट मतलब इसको हम मैच करेंगे, बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री द दैट इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट का, व्हेन अ पर्सन थिंक इज यूनिक सो वी अंडरस्टैंड हु व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब है हमारा द ब्रह्मपुत्र, बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर। नेक्स्ट द हिमालय, बिफोर द नेम ऑफ अ माउंटेन रेंज। अब आता है हमारा वर्कशीट 4, वर्कशीट 5, वर्कशीट 4 तो हमारा यही है। फ्रेंड्स वर्कशीट 4 में भी हमें द का ही यूज़ बताना है, तो पहले हम पढ़ते हैं, रीड द सेंटेंस एंड राइट 1 5 इन द बॉक्सेस अगेंस्ट द डिपेंडिंग ऑन हाउ द अंडरलाइंड आर्टिकल द हैज़ यूज्ड बीन यूज्ड। तो फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखे गए हैं इनको पढ़ना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ द अंडरलाइन के हो गए हैं तो ये इन सब से मिलते जुलते होंगे, तो हमें बताना है कि जो द है वो कैसे, मतलब कौन से जो यहाँ पर लिखा गया है उनसे मैच करता है, और उसके सामने जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें हमें 1 3 5 ऐसे लिख देना है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, व्हेन अ पर्सन और थिंक इज पार्टिकुलराइज्ड, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंक बिफोर, व्हेन अ पर्सन और थिंक इज यूनिक, फॉर कंट्री हु नेम इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन, फॉर रिवर और रेंज ऑफ माउंटेन। तो फर्स्ट आता है हमारा, द काजीरंगा सेंचुरी इज इन आसाम। तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट,
when a person or thing is particularized, next the sun rises in the east. तो इसमें हो जाएगा हमारा थर्ड, थर्ड में है when a person or thing is unique. नेक्स्ट है he had invited us to his party. The party will be on a house boat. तो इसमें हो जाएगा हमारा सेकेंड when we have talked about a person or thing before. अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट. I visited the lady who looks after the orphans. तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट है हमारा when a person or thing is particularized. नेक्स्ट है the air in the mountain is refreshing. तो इसका भी हो जाएगा फर्स्ट when a person or thing is particularized. नेक्स्ट है हमारा he plans to climb the Himalaya. तो इसमें हो जाएगा हमारा फाइव. अब यहाँ पर फाइव इसलिए होगा क्योंकि हिमालय द जो है वो हिमालय एक माउंटेन है और हिमालय से पहले आया है. तो और हमारा फाइव में है उसमें भी लिखा गया है फॉर रिवर और रेंज ऑफ माउंटेन. अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट. लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. तो इसका हो जाएगा हमारा थ्री when a person or thing is unique. अब देखते हैं हम अपना सेकंड मतलब लास्ट का थर्ड. द डॉटर ऑफ द किंग मैरिड अ पीपर. तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्योंकि यहाँ पर जो हमारा द है वो डॉटर और किंग के पहले आ रहा है और फर्स्ट में हमारा व्हेन अ पर्सन और थिंक इज पार्टिकुलराइज्ड. अब देखते हैं सेकंड. सॉरी फ्रेंड्स लास्ट का सेकंड. द प्रिस्ट इन इज द हेड ऑफ द विलेज कम्युनिटी. तो इसमें हो जाएगा थ्री क्योंकि यहाँ पर प्रिस्ट और विलेज के आगे द आ रहा है और थ्री में है व्हेन पर्सन और थिंक इज यूनिक. अब देखते हैं लास्ट हमारा है. जिंडा has gone to the United States. She wants to sail across the Mississippi. तो यहाँ पर United States के आगे है the और यहाँ पर across Mississippi भी आगे the है. तो Mississippi कोई जगह होगी. तो इसमें हो जाएगा हमारा four और साथ साथ में हमारा five भी हो जाएगा क्योंकि जो Mississippi है वो जगह नहीं वो river है और जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है वो हमारा कंट्री है. तो इसलिए हम इसमें लिख देंगे फोर और फाइव. तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा पूरा आज का वीडियो वर्कशीट फाइव तक. फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा 12 मिनट का पहले से ही हो चुका है तो हम इसका पार्ट टू लेके आएंगे जिसमें हम पूरा वर्कशीट 10 तक दिखाएंगे आपको वर्कशीट 6 से लेके. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.